ये दिया हुआ है 16/81, तो आपने करा 81/61, माइनस को आपको उल्टा करना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड का मतलब आपको मल्टीप्लाई करना, नीचे वाला ऊपर लिख देना, ये भी आपका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 343 की पावर 2/3। अब 81 क्या होगा, 81 होगा 3 की पावर 4 बेटा जी। 16 क्या होगा, 2 ऑफ द पावर 4, यहाँ पे दिया हुआ है 3/4। 49/9 हो गया 7/3 का स्क्वायर, साथ में दिया 3/2। 216 जो होगा वो 6 की क्यूब होगा, और 343 जो है वो 7 की क्यूब होगा। आप ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये 4 है तो आपको होल 4 लेना है, यानी 3/2 की पावर 4, बाहर दिया 3/4, यहाँ पे दिया है 7/3, बाहर दिया 2 की पावर 3/2, यहाँ दिया है 6/7 की पावर क्यूब। आप जब इसे सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 कट गया, 3 की पावर क्यूब 2 की पावर क्यूब, ये आया 7, कट गया 7 की पावर क्यूब 3 की पावर क्यूब, ऐसे 6 की पावर क्यूब 7 की पावर क्यूब। सो 7 की पावर क्यूब से 7 की पावर क्यूब कट गई है, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 कट गई है, यहाँ 6/2 बचा और उसकी पावर है क्यूब, तो इससे कटा तो ये आया 3 की पावर क्यूब, तो ये आ गया 27। कांग्रेचुलेशन।